असलम दिस इज़ मी मोहम्मद मुनीर आज की जो मेरी वीडियो है इसमें जो है मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी कि यूट्यूब जो है आए दिन जो है यूट्यूब जितने भी यूट्यूबर से रिलेटेड हजरात हैं उनके जो चैनल है उसको जो है डिलीट कर रहा है इवन के कुछ ऐसे चैनल्स जिनको जो है यूट्यूब एक बार डिलीट कर चुका है और अगर उन्होंने जो है उसी के ऊपर जो है कोई न्यू अकाउंट क्रिएट कर लिया है अगेन तो यूट्यूब ने जो है उनका वो अकाउंट भी डिलीट कर दिया और वो लोग इस बात को लेकर बेहद परेशान है कि हमारा जो पहला अकाउंट था यूट्यूब ने वो भी डिलीट कर दिया हमारा पहला चैनल और अब जब हमने न्यू जी मेल के ऊपर सेकेंड चैनल बनाया तो अभी जो है यूट्यूब ने जो है हमारा जो चैनल है बगैर किसी भी रीजन के जो है डिलीट कर दिया है तो लिहाजा अब जो है हम ऐसा क्या करें और वो लोग जो है लहसार सी बातें जब आपका चैनल जो है ऐसे बिला वजह जब आपको लगता है कि आपने कोई मिस्टेक भी नहीं किया और ना ही किसी भी कम्युनिटी गाइडलाइन की जो है कोई आपने खिलाफ वर्जी की है तो आपका चैनल जो है जब डिलीट हो जाता है तो सारी सी बातें आप यूट्यूब से अपील करते हैं लेकिन अगर उस अपील के यानी कि रिस्पॉन्स में यूट्यूब आपसे ये कहता है कि आपका जो चैनल है वो सेम की वजह से जो है डिलीट किया जा चुका है या आपने जो है कुछ यानी कि उसके रूल्स एंड रेगूलेशन की खिलाफवर्जी की है तो लिहाजा आपका जो चैनल है वो दोबारा रिकवर नहीं होगा तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे जो है आप अपना जो चैनल है जिनका चाहे वो एक बार डिलीट भी हो चुका है वो किस तरह से न्यू जी के ऊपर जो है अपना न्यू चैनल क्रिएट कर सकते हैं और ना सिर्फ क्रिएट कर सकते हैं बल्कि उनका जो चैनल है वो इन श्ला मोनिटाइज भी होगा लेकिन शर्त यही है कि अगर आप इन तमाम बातों को अच्छे से समझेंगे और समझ इसको जो है तमाम प्रोसेस को जो है फॉलोअप करेंगे इन तमाम टिप्स को जो है लेकर चलेंगे तो इन शाला तला आपका चैनल चाहे वो दो बार डिलीट हो चुका या चार बार डिलीट हो चुका है इनशाला अब जो है वो लाजिमोटाइज होगा तो चलिए आइए हम बढ़ते हैं उन यानी स्टेप्स की तरफ जो कि मैं आपको बताने जा रही देखिए नंबर फर्स्ट आता है जब आपका चैनल जो है आप बनाते हैं और उसके ऊपर जो है आप कुछ वीडियो अपलोड करते हैं और कुछ वीडियो अपलोड करने के बाद जो है विदाउट एनी रीजन आपका जो चैनल है यूट्यूब जो है डिलीट कर देता है दोबारा से जो है एक न्यू जी क्रिएट करते हैं लेकिन उसी मोबाइल से उसी आईपी से क्रिएट करते हैं और आपका जो चैनल है उसने कोई वीडियो डाली भी नहीं होती वो अगेन जो है आपका जो चैनल है वो डिलीट कर दिया जाता है देखे आप गूगल के ऊपर जब अपनी जी बनाते हैं जब उसके ऊपर आपका फर्स्ट चैनल

के पास चला जाता है जिसकी वजह से वो आपका चैनल जो है वो डिलीट कर देते हैं और अगर आप अपील भी करते हैं तो अपील के रिस्पांस में जो आपसे कहा जाता है वो आपको भी मालूम है भी मुझे भी मालूम है ठीक है क्योंकि आपका जो चैनल है वो भी सैंप में चला जाता है मींस है? कि आपने उसके ऊपर कुछ यानी कि लीगल एक्टिविटीज़ की हैं इस वजह से वो चले जाता है तो अब हाँ हम लोगों के दिमाग में माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि भाई अभी तो मैंने सिर्फ चैनल एक चैनल डिलीट होने के बाद अभी दूसरा चैनल बनाया था और उस पर तो वीडियो भी अपलोड नहीं की फिर मैंने ऐसी कौन सी सी कर ली है यूट्यूब के पास जब एक बार आपका कोई भी डेटा ऐसा चले जाता है ना जो कि उसके यानी कि पॉलिसीज के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो फिर जब एक बार आपका चैनल डिलीट हो जाता है या फिर आप जो है एक साल के अंदर अंदर जो है एक ही आईपी से और एक ही सेल से जो है जब पाँच से छः या सात चैनल जो है मोनेटाइज करवा लेते हैं ना तो फिर भी उसके बाद आपका जो चैनल है वो मोनिटाइज नहीं होता है अब आपने करना क्या है और इस मसले का सोल्यूशन क्या है अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं देखिए इस मसले का जो है सोल्यूशन ये है कि आपका चैनल जो है चाहे वो एक बार डिलीट हो चुका है या दो बार डिलीट हो चुका है जब आपने नया यानी कि अपना चैनल जो है उसको क्रिएट करना है माजत के साथ नहीं कुछ महीना साज है तो अगर आपने जो है अपना न्यू चैनल क्रिएट करना है ना तो आपने सबसे पहले जो है अपना मोबाइल फ़ोन चेंज करना है उसके बाद जो है आपने अपना आईपी चेंज करना है आईपी चेंज मींस कि आपने जो है अपना इंटरनेट कनेक्शन भी चेंज करना है एंड देन जब आप ये दोनों चीज़ें कर लेते हैं अपना जी क्रिएट कर लेते हैं और फिर जब आप चैनल बनाते हैं उसके बाद जो है उसकी वेरीफिकेशन करते हैं वेरीफिकेशन के लिए भी आपने जो है वो वाला नंबर नहीं देना है अपनी यानी कि मोबाइल फ़ोन का जिससे आपका चैनल जो है एक बार रिजेक्ट हो चुका है बल्कि आपने उसके लिए जो है घर में किसी का भी अगर और नंबर कोई मौजूद है या चल रहा है आपने वो न्यू नंबर देना है ठीक है एंड यानी कि वन जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है जब आपने जो है इसकी एडवांस फीचर्स की जब सेटिंग्स को ओपन करना है अपने चैनल की जिसमें आ जाता है कि आप जो है अपने चैनल हिस्ट्री से वो एडवांस फीचर्स जो है ऑन करें जिसमें जो है तकरीबन डेढ़ माह से यानी कि दो माह लग जाते हैं तो इतना कोई भी वेट नहीं करता है तो फिर दूसरी आपके पास ऑप्शन होती है कि आप अपना जो है सी एन आई सी से आप अपना यानी कि कर सकते हैं तो आप वो कर लें नहीं अगर आप उससे भी नहीं करना चाहते तो फिर आप जो है अपने फेस से वेरिफिकेशन करें अब यहां पर एक सवाल क्रिएट होता है सवाल ये क्रिएट होता है कि अगर हमारा वो सी एन सी जो कि पहले यूज हो चुका है ठीक है जिससे चैनल रिजेक्ट हो चुका है अब दोबारा लगाएंगे तो कहीं वो दोबारा से रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा तो जी हाँ जी डेफिनेटली वो दोबारा से रिजेक्ट हो जाएगा तो आपने जो है वो सी एन सी भी नहीं लगाना बल्कि घर में किसी और का सिस्टर का ब्रो का या अबू अम्मी का किसी का भी जो आपने आई डी कार्ड नहीं यूज़ किया हो आपने वो करना सबसे बेहतर तो ये है कि आप फेस की वेरीफिकेशन करवाएं ठीक है अब यहाँ पर भी एक और क्वेश्चन क्रिएट होता है कि हमारे फेस की जो है यानी कि वेरीफिकेशन जो है वो भी रिजेक्ट हो चुकी है तो हम अब क्या करें कि अब हम अपना फेस यूज़ कर सकते हैं जी नहीं अगर आपने अपने फेस की वेरीफिकेशन एडवांस फीचर्स के लिए यूज़ की है और वो रिजेक्ट हो चुकी है तो अब आपका जो फेस की वेरिफिकेशन है ना देखे, वो भी आपकी नहीं फिर आपको घर में से अपने ही किसी बड़े की जो है, या फिर आपसे छोटा भी हो, हो गया कि जी चले ठीक है हमने किसी बड़े की, किसी और फेस की वेरिफिकेशन भी करवा ली है लेकिन उसके ऊपर वीडियो तो हमने बना के अपलोड करनी है तो क्या फिर उसके बाद हमारा चैनल तो जो है तो नहीं होगा डिलीट तो नहीं हो जाएगा देखे फिर ऐसा कुछ नहीं होगा देखिए जब गूगल आपसे वेरिफिकेशन के लिए जो चीजें मांगता होता है ना उसी का डेटा वो स्टोर रखता है गूगल हो गया यूट्यूब हो गया ठीक अब, अब है जब आप सारी ऑथोराइजेशन जो है अगर आप खुद आपका चैनल अपना है लेकिन आप किसी दूसरे को देते हो तो यूट्यूब को यही लगता है कि वही इसका ऑनर है तो मीन्स के लोगों ने कुछ लोग भी तो हायर किए होते हैं ना अक्सर काम करने के लिए मीनस उनके चैनल के ऊपर डिफरेंट टाइप के लोग आ रहे होते हैं ठीक है जो कि उनके चैनल के ऊपर वीडियो बना रहे होते हैं उनके दे रहे होते हैं बना बना के और वो अपने चैनल के ऊपर अपलोड सिर्फ कर रहे होते हैं तो ये चीज भी है लेकिन अब मैं इसके ऊपर जो है मज़दी रोशनी नहीं डालूंगी क्योंकि मेरे ख्याल से आपको जो है ये बात समझ में आ चुकी होगी कि आपने फिर वो 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 रिजेक्टेड फेस की जो है वो फेस वेरीफिकेशन कैसे करनी है तो अगर आप ये तमाम प्रोसीजर्स जो है ध्यान से कम्प्लीट करेंगे तो इन शाली आपका जो चैनल है वो लाजिम जो है मोनिटाइज होगा और वो यूट्यूब उसको डिलीट नहीं करेगा ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉटेंट है इनके ऊपर जो है आप लोग खास तजो दी है जब आप एक बार गलती कर लेते हैं तो एक बार गलती कर लेते हैं तो फिर आपके ऊपर जो है उससे जो है उसकी उस गलती से जो है सीखना लाजिम हो जाता है देखिए गलतियाँ होती रहती हैं तो इसका मतलब यही है कि इंसान जो है हार्ट होके बैठ जाए मीनस कि आप जो है हर दिन के साथ जो है कुछ ना कुछ जो है सीखते रहा करें और अगर मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव रही हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा मिलती हूँ आप लोगों के साथ भी किसी न्यू और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ तब तक मुझे दीजिए इजाजत अपना रखेगा खूब सारा ख्याल अलग के बाद